बाइनरी टू डेसिमल कैलकुलेट करने के लिए ये छोटा सा कोड मैंने लिखा हुआ है कोड बॉक्स पर। अब इसको जब हम सेव करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको रन करवाता हूँ, रन करवाते वक्त कंपाइल करवाते वक्त ही हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ मैं, बिन के नाम से सेव करता हूँ। बिन डॉट सी लगाना ज़रूरी होता है, ये तो पता ही है आपको। एंटर करेंगे, अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल भी हो गया। अब यहाँ से हम रन करवा लेते हैं, तो ये रन करवा लिया हमने। अब जैसे ही रन करवाएंगे तो कह रहा है इनपुट द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेगा, तो अगर मैं 55 लिखता हूँ और एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो इसका बाइनरी कन्वर्जन होके आ गया। इस प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से चलाना चाहता हूँ, तो ये मैंने चला दिया। अब यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, कोई नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ, लाइक 115 लिखा मैंने, इसका बाइनरी कन्वर्जन होके आ गया, ये देख सकते हैं। चलिए एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहां पर इस बार मैं लिखने वाला हूं 104, यानी 104 लिखा मैंने और एंटर प्रेस किया, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन होके आ गया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहां पर ये कोड देख सकते हैं आप, और ये कोड मैंने लिखा हुआ है, यहां पे लॉन्ग का प्रयोग किया है मैंने, लॉन्ग इंटीजर। तो आप भी कर सकते हैं, आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।